केंद्रीय हाटी समिति एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम 154 पंचायतों के लगभग 400 गांव जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे उस सरकार का साथ दें जिसने बहुत बड़ी सौगात गिरिपार क्षेत्र को दी है। ये विचार हाटी विकास मंच के मुख्य प्रवक्ता रमेश सिंगटा ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहे। आज का तो विषय हमारा ये कि हमारा संगठन केंद्रीय हाटी समिति एक गैर राजनीतिक संगठन है। हम 154 पंचायतों के लगभग 400 गांव में गांव-गांव जाएंगे और जनता से ये आग्रह करेंगे, जिन्होंने एक आंदोलन में बड़ी भूमिका लोगों की रही थी, बहुत लोग इसमें भूमिका रही है। ताज़ा प्रकरण यही है कि हम जनता से ये आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि जिस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी ने बहुत बड़ी सौगात हमारी जनता को दी है, गिरिपार के क्षेत्र को दी है, बदले में हम सरकार को सहयोग करेंगे, क्योंकि राजनीतिक हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा गैर राजनीतिक फ्रंट है। तो हम सभी विचारधारा के लोगों से, जो भी महाकुंभलियों में जिन्होंने इसमें शिरकत की थी, हम उनसे तभी सभी लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि वो सरकार के सहयोग के लिए आगे आए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कार्य हुआ। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल लोहार, बाड़ी और ढाकी, तीन जो एससी कम्युनिटी की उपजातियां हैं, कल इन्होंने बलदेव तोमर जी से मुलाकात की थी। इन्होंने ये महसूस किया है कि जिस तरह से एक्सक्लूड हुए हैं पूरे के पूरे एससी वर्ग के सभी लोग, उन्होंने महसूस किया है कि हमारे साथ एक अन्याय हुआ है, हम कुछ लोगों के जिन्होंने हमें गुमराह किया है उनकी बातों में आगे, अब वो चाहते हैं कि वो भी एसटी के लाभों में आए और एसटी का लाभ पाए। दूसरा, नौराधार में जो अभी हमारा सम्मान समारोह हुआ था, वहाँ पे डोम उत्थान समिति उसके अध्यक्ष दिलावर जी है, एक बड़े दिल वाले आदमी है, उन्होंने ये खुलकर ये कहा है कि हम इस मामले में पूरी तरह से स्वर्ण समाज के साथ है। केवल स्वर्ण समाज के साथ नहीं, हाटी समाज के साथ है, हमने तो नाम भी हाटी रखा है, उसमें 14 जातियों की लड़ाई है। और हम आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहेंगे कि हम सभी जातियों की, पहले भी हमने पैरवी की थी, अब भी हम पैरवी की, जो जातियाँ, जो उपजातियाँ एक्सक्लूड हुई है उसको दोबारा शामिल करने के लिए केंद्रीय हाटी समिति, खासतौर पर शिमला इकाई है, हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। आगे भी दिल्ली दरबार तक जहां भी जाना पड़े, हम सरकार के सहयोग से इसे भी हम सिरे चढ़ाएंगे। वहीं हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा ने बताया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को दी गई सौगात के बारे में लोगों को घर घर जाकर जागरूक करेंगे और आने वाले चुनावों में सरकार को अपना सहयोग देंगे। जिस प्रकार से हमारा जो मिशन है, ट्रांसगिरी के 400 गांव में हमने एक जन जागरण अभियान, और सरकार ने जिस प्रकार से बहुमूल्य सौगात गिरिपार के लोगों को दी है, वह हमने धरातल में गांव-गांव जिस प्रकार से हमारी हाटी समिति के बैनर तले मुहिम चलेगी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे 400 गांव में केंद्रीय हाटी समिति के बैनर तले यह मुहिम जोरों शोरों से चलेगी। जिस प्रकार से रोनहाट के जो लादी क्षेत्र है, वहाँ से एक महाकुंभली का आंदोलन का आगाज हुआ था, और उसी संदर्भ में हमें उम्मीद है कि जनता, जो आवाम है वहाँ की गिरिपार की, वह भी सरकार के समर्थन में, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम जयराम सरकार ने और देश की यशस्वी जो प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार है उसने गिरिपार के लोगों के लिए दिया है, उसी के समर्थन में 400 गांव में केंद्रीय हाटी जो समिति है वह उतरेगी और आगे आगामी जो रणनीति है वह तेज करेगी। सहयोग की बात आपने की, आगामी चुनाव नजदीक है, क्या इसमें सरकार का प्रचार भी आप करेंगे? देखिए, हमने जब महाकुंभलिया शुरू हुई थी तो उसी समय यह तय किया गया था कि हम जो काम है गिरिपार का, जनजातीय का काम है, जो सरकार करेगी उसके साथ 3 लाख लोग चट्टान की तरह तन मन धन से उसका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे।